हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो यार, आज आपका 12th बोर्ड का सीबीएसई का रिजल्ट आया है। लगभग सभी बच्चे पास कर दिए हैं। 99 पॉइंट समथिंग परसेंट रिजल्ट है। फेल होने वाले बहुत ही कम बच्चे हैं। बट आज ही आज में मेरे पास 5-6 बच्चों के मैसेज ऐसे आए हैं कि सर, मेरे 74% मार्क्स हैं, 73% मार्क्स हैं, 75 से कम हैं। अब सर, इस बार तो चलो जेई ने 75% का क्राइटेरिया हटाया हुआ है कोविड की वजह से, तो हम अपियर हो जाएंगे। जेई मेन, जेई एडवांस, ठीक है सब कुछ, बट बाकी अगले साल में जेई मेन के लिए क्या ये 75% क्राइटेरिया रखेंगे या नहीं रखेंगे? देखो, ये प्रेडिक्ट करना अभी तो मुश्किल काम है, अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। हालांकि अगले साल भी इनको 75% क्राइटेरिया हटाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा इस बार 75% मार्क्स या जो भी मार्क्स लेके आया है, जो भी असेसमेंट के बेसिस पे मिला है, विदाउट एग्जाम स्टूडेंट्स हैव बीन प्रमोटेड, तो वही क्राइटेरिया अगले साल भी रहना तो चाहिए, बट कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे में मैं ये बात कहूँगा कि जिनके भी 75% से कम परसेंट मार्क्स हैं, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया है कि जो स्टूडेंट्स इस असेसमेंट प्रोसेस से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो एग्जाम्स में अपियर हो सकते हैं। हम एग्जाम्स कंडक्ट करा सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि ऐसे स्टूडेंट्स कम ही होंगे, तो गवर्नमेंट उन स्टूडेंट्स का एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। हालांकि उसके लिए अभी और इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है, कब होगा एग्जाम, कैसे फॉर्म्स भरे जाएंगे, कब भरे जाएंगे, वो तो मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बट फिर भी मैं कहूँगा कि ऐसे बच्चे जो 75 से थोड़ा सा नीचे रह गए हैं, अच्छा कोई 55-60% रह गया, तो यार तो फिर पढ़ाई नहीं होगा ना, या फिर आपने इंटरनल असेसमेंट बहुत ही पुअर तरीके से लिए होंगे, या आपने अटेंडेंस आपकी बहुत वीक रही होगी, इंटरनल असेसमेंट अच्छे से नहीं हुए होंगे आपके। बट खासकर जो 75 से थोड़ा सा नीचे रह गए हैं, 70 से 75 के बीच में या 65 से 75 के बीच में भी मान सकते हैं, उनको तो मेरे ख्याल से जेई के लिए अगर वो सीरियस हैं, तो उनको जब भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए गवर्नमेंट, उनको अभी महीने 2 महीने बाद जब भी होंगे एग्जाम, तो मेरे ख्याल से उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि परसेंटेज जो है वो 75 से ऊपर आए, ताकि अगले साल कोई संशय ना रहे कि अगर आपको ड्रॉप करना पड़ा, इन केस मैं तो कहूँ नौबत ही ना आए, इसी बार आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, अच्छी रैंक आए। बट कहने से तो होता नहीं है ये सब, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में जिए, तो अगले साल भी बच्चे देंगे एग्जाम भी, ड्रॉप भी करेंगे, तो उनके सामने ये संकट आ सकता है। तो मैं ये कहूँगा, डू नॉट टेक द चांसेस, और गवर्नमेंट जो एग्जाम करवाएगी, असेसमेंट से जो हैप्पी नहीं है स्टूडेंट्स, उनको एग्जाम देना चाहिए। सो बस मैं इस मैसेज के थ्रू यही बात कहना चाहता था।